आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 8 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। शादी के घर में अक्सर इतने लोग होते हैं कि आधे अतिथियों रिश्तेदारों से बात भी नहीं हो पाती, लेकिन कोरोना ने शादियों की ऐसे जमावड़े पर ब्रेक लगा दिया है। अब शादी के लिए 200 गेस्ट ही बुलाने की अनुमति है, मगर यह लिमिट भी कई परिवारों को कम लग रही है। लगातार शादियों में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इसी बीच भोपाल में एक ऐसी शादी हुई जिसको कोविड सेफ शादी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह शादी थी भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी SS राजपूत की बेटी अंशिका की। सिर्फ 25 मेहमानों के साथ हुई शादी में सभी का पहले कोरोना टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आई तो घर बुलाया गया। SS राजपूत कहते हैं, क्लोज गेस्ट के साथ पूरा फंक्शन इतनी अच्छी तरह हुआ कि कहीं कमी महसूस नहीं हुई, कि हमें यह सब होटल से करना चाहिए। पहले जहां नुमा पैलेस बुक किया गया था, लेकिन कोरोना के हालात देखते हुए बाद में सारा परिवार घर पर ही शादी करने को राजी था। बहुत लंबे समय बाद पुराने समय की तरह घर पर शादी का फंक्शन था तो सभी ने खूब एंजॉय किया। बाकी सभी मेहमानों के लिए यह पूरी शादी ऑनलाइन टेलीकास्ट हुई, तो एक तरफ जहां रस्में चल रही थी, दूसरी तरफ वीडियो और साउंड मिक्सिंग की टीम इसे डिजिटली लोगों तक पहुंचाने में जुटी थी। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। करीब एक साल पहले कमलनाथ सरकार में फैसला लिया था कि मध्य प्रदेश में मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चयन पार्षद करेंगे, लेकिन शिवराज कैबिनेट ने इस फैसले को बदल दिया है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जनता ही सीधे मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेगी। कैबिनेट बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने 13 मार्गों पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से निवेशकर्ता या ठेकेदार की नियुक्ति तक उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही टोल से प्राप्त राशि का निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि के माध्यम से उपयोग की स्वीकृति भी दी। 13 मार्गों में होशंगाबाद पिपरिया मार्ग, होशंगाबाद से टिमरनी मार्ग, हरदा से आशापुर होकर खंडवा मार्ग, सिवनी से बालाघाट मार्ग, रायसेन से गैरतगंज होकर राहतगढ़ मार्ग, पिपरिया से नरसिंहपुर होकर शाहपुरा मार्ग, देवास से उज्जैन बड़नगर होकर बदनावर मार्ग, रीवा से ब्योहारी मार्ग, ब्योहारी से शहडोल मार्ग, रतलाम से झाबुआ मार्ग, गोगापुर से महितपुर होकर घोसला मार्ग, मलेहरा से लौंदी होकर चांदला मार्ग और चांदला से सरवई गौरीहर होकर मतोंड मार्ग शामिल हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने परिवार के साथ 3 दिवसीय दौरे पर बांधवगढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल से हवाई यात्रा करते हुए उमरिया हवाई पट्टी पहुंची, यहां से सड़क मार्ग से वो बांधवगढ़ पहुंची हैं। राज्यपाल के साथ में उनका परिवार भी बांधवगढ़ भ्रमण पर गया है। यहां राज्यपाल 3 दिनों तक बांधवगढ़ में बाघों का दीदार करेंगी। यहां से वो 10 दिसंबर को भोपाल के लिए रवाना होंगी। हवाई पट्टी में शहडोल संभाग के आयुक्त नरेश पाल, शहडोल के ADG पुलिस जी जनार्दन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के संचालक विसेंट रहीम, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल, संयुक्त संचालक नेशनल पार्क नावेंद्र शेखर सहित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधि दिलीप पांडे, धनुषधारी सिंह, दीपक छत्वानी, नरेंद्र गिरी मौजूद रहे। ज्योतिषी गणना के तहत वैसे ही साल 2020 निराशाजनक रहा। इस साल खगोलीय घटनाएं भी काफी देखी गईं। साल भर में 6 ग्रहण लगे, जिसमें 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। पहला सूर्य की दिसंबर पहले पखवाड़े में ही दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 और 15 दिसंबर को लगेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा। यह ग्रहण 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। इसके पहले 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। ज्योतिष और खगोल शास्त्र में ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण शाम 7:03 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण की समाप्ति 15 दिसंबर की रात को 12:23 पर होगी। इस तरह सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे की रहेगी। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा।
इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे लेकर इंदौर जिला प्रशासन चिंतित है। इसी को लेकर इंदौर कलेक्टर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग के दौरान कलेक्टर ने CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया को जमकर हड़काया है। कलेक्टर की डांट से CMHO की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल कलेक्टर की फटकार लगते ही CMHO की तबीयत बिगड़ गई और वो रोते हुए बैठक से बाहर निकल गए हैं। पिछले कुछ समय डॉक्टर जड़िया की कार प्रणाली से कलेक्टर मनीष सिंह नाराज चल रहे थे और उसी का परिणाम आज सामने आया है। उसके बाद अधिकारियों ने उन्हें गाड़ी तक लाकर छोड़ा है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को उसके पति ने शादी के 8 साल बाद इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वह मायके से ट्रक खरीदने के लिए रुपये लाकर नहीं दे रही थी। मामले में पीड़िता ने चंदन नगर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी पति सास देवर और ननंद के बेटे के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मक्का मस्जिद के समीप रहने वाली 28 वर्षीय परवीन बी की शिकायत पर पति मुस्तफा, सास शमशाद बी देवर कादर खां और ननंद के बेटे मोनू और फिरोज अहमद के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि पति ट्रक खरीदने के लिए मायके से रुपये लाने का दबाव बना रहा था, वहीं नहीं लाने पर घर की दहलीज पर पति 3 बार तलाक बोलकर चला गया। पीड़िता की तरफ से की गई शिकायत अनुसार शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले परेशान करते थे, उससे रुपये की मांग करते थे। कुछ दिनों पहले वह मायके आ गई थी। आरोपित पति उसे लेने मायके पहुंचा और कहा कि मुझे ट्रक खरीदना है। उसके बाद कहा कि ट्रक दिलवा दो। पत्नी परवीन ने जब उससे मना किया तो वह घर की दहलीज पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक देकर चला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण एवं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रीगण इनोवेटिव आइडियाज पर कार्य करें। मंत्रीगण की लीडरशिप में प्रत्येक विभाग कुछ इनोवेटिव आइडियाज निकालें तथा उन पर अमल करें। मध्य प्रदेश में बफर में सफर ग्लोबल स्किल पार्क तथा हिरोशिमा नागासाकी स्मारक की तर्ज पर गैस त्रासदी स्मारक आदि पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मंत्रीगण विभागीय बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करें। प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में है। मध्य प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं तथा मध्य प्रदेश में पूरी शांति है। कतिपय लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धति ने भी आयुर्वेदिक दवाइयों का लोहा मान लिया है। इनसे मवेशियों की गंभीर बीमारियों के इलाज में मिली सफलता के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने खुद आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेज में ही इन दवाओं को बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में इन पर शोध करने से लेकर अपने डेयरी फार्म के मवेशियों पर इनका परीक्षण भी किया जाएगा। औषधि गार्डन बनाकर वहां औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। इसके लिए जबलपुर, महू और रीवा पशु चिकित्सा कॉलेज परिसर में खाली पड़ी जमीन चयनित कर ली गई है। हर कॉलेज में तकरीबन 1 से 2 एकड़ जमीन पर औषधि गार्डन बनाए जाएंगे। यहाँ पर हल्दी, मेथी, सतावर, अणूसा, अश्वगंधा, तुलसी, मीठी व कड़वी नीम समेत कई औषधीय पेड़ पौधे लगाकर आयुर्वेदिक दवाओं के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जबलपुर के खमरिया स्थित आमानाला फार्म पर औषधीय पौधे लगाने का काम शुरू भी कर दिया है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 8 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 9 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com, इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए, बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा ये खुल गया, इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोज़ जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234, 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।